सभी जवान भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जवान भाइयों, मैं पूर्व सैनिक कपिल, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। जवान भाइयों, चोरटा गैंग फिर 9 अगस्त को जंतर मंतर पर रैली कर रही है। तो सबसे पहले पहल ये है कि मेजर जनरल सतवीर का इस रैली में बहिष्कार कर दीजिए। जवान जय सूर्य भाई, बहिष्कार नहीं करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। दूसरा, अब की बार ये 3 संगठनों के साथ में मिलकर कर रहा है रैली। तो उसमें पहला संगठन है ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा, जो महाराष्ट्र से है। दूसरा, ऑल इंडिया किसान महासभा। तीसरा, एडवा। ये ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा, ये दलितों की आवाज उठाती है। जैसे SC ST एक्ट को कमजोर किया गया है, उसी के लिए अपनी लड़ रही है। और अच्छी बात है, अपने हकों के लिए, अपनी जाति के लिए लड़ना। इस देश में संविधान ने हक दे रखा है, लड़िए। उसके बाद में किसान जो हैं, वो अपने भाई मूल्यों के लिए, कि हम अपनी मेहनत से कि फसल उगाते हैं, उसका हमारे को मूल्य नहीं मिलता। तीसरा, एडवा है, जो महिलाओं के लिए लड़ती है, महिलाओं के अत्याचारों की आवाज़ उठाती है, उनके हकों की आवाज़ उठाती है। तो सबसे पहले तो जो ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा है, जो जाति के लिए लड़ रही है, उसमें इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने उनका समर्थन किया, पूर्व सैनिकों ने। तो भाई कोई पूर्व सैनिक नहीं है, क्योंकि पूर्व सैनिकों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। जब सैनिक सेना में जाता है तो उसका सबसे पहले पाठ यही पढ़ाया जाता है कि आपकी कोई जाति नहीं है, कोई आपका धर्म नहीं है। आपका धर्म और आपकी जाति सेना है, और 125 करोड़ ये देशवासी हैं जिनके लिए आपको बॉर्डर पे खड़ा किया गया है। सबसे पहले गोली चले तो वह जवान की छाती में चले, न कि मेरे देशवासियों की। इसलिए हमारा किसी जाति विशेष के ऊपर कोई लेना देना नहीं है। पर जिस हिसाब से पूर्व सेना अधिकारी मेजर जनरल सतवीर ने इनका समर्थन किया है मूवमेंट की तरफ से, कि पूर्व सैनिकों ने किया, तो मूवमेंट के अंदर एक ही आदमी है, वो है मेजर जनरल सतवीर, और मूवमेंट में कोई नहीं है, कोई पूर्व सैनिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यही बागड़बिल्ला जो समर्थन देने के ऊपर तुला हुआ, हर यही बागड़बिल्ला जो सेना के अंदर भी जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, कि वहां भी ये ST ST जनरल इस तरह से फैला दे, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। क्योंकि हमारे को 125 करोड़ लोगों ने 4 मीटर कपड़ा दिया है, और देश रक्षा के लिए दिया है, और अपने टैक्स पेयर से हमारे परिवारों के लिए खाने का इंतजाम किया। तो सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार से बोलता हूं कि इस बागड़बिल्लों को सबसे पहले जेल के अंदर ठोका जाए, क्योंकि ये जिस तरह की राजनीति कर रहा है किसी राजनीतिक दल के इशारे पर, वो बिल्कुल गलत है। दोबारा आते हैं कि ये बोल रहा है कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो भाई, हमने ऐसी लड़ाई नहीं लड़वानी तेरे से, जो 1 रैंक 1 के ऊपर तू हमारे जातिवाद में हमारी सेना को धकेल दे। तीसरा, इसके मंच के ऊपर लिखा रहता है कि इस मंच के ऊपर सिर्फ ORP की बात की जाए। क्यों भाई, क्यों ORP की बात की जाए? हम ORP की भी बात करेंगे और सहायक सिस्टम की बात करेंगे। जो ORP जवान जेसीओजो का हक बनता था, उनके मुंह से तूने निवाड़ा छीन के दूसरे के मुंह में दे दिया, ये सबसे पहले तू। दूसरा, तू कभी सहायक पर था? अर्दली सिस्टम जो घरों के अंदर जो जवानों को गुलाम बना के रखते हैं, उनके जूते पॉलिश करवाते हैं, उनके बच्चों को पोटी साफ करवाते हैं, उसके बाद में गाड़ियों का साफ सफाई, डस्टिंग करना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, वहां से लाना, सब्जी लाके सब्जी को बलाना, मतलब पूरी रात और पूरे दिन एक जवान को अपने घर पे अलार्म की तरह लगाना, तो क्यों नहीं बोलता उनके खिलाफ में, क्यों उनका समर्थन करता है? यही है आपकी ORP। दूसरा, तू चलो वो भी छोड़ो, तू मिलिट्री सर्विस पे जो 125 करोड़ लोग हैं, वो उन जवानों का मान सम्मान करते हैं, कि उनको मालूम है कि ये भारतीय सेना की नौकरी करते हैं, तो आप कौन होते इसमें फर्क करने वाले, और आप क्यों नहीं आवाज उठाते? 125 करोड़ लोगों ने 4 मीटर कपड़ा दिया है, तो हमारे को मिलिट्री सर्विस पे की आवाज आप क्यों नहीं उठाते? दूसरा, जो मिलिट्री सर्विस पे है वो सम्मान क्यों नहीं होने चाहिए? क्या जवान दूसरे देश की नौकरी करते हैं, या वो जो 15,500 ले रहे हैं वो इंडियन आर्मी की करते हैं? तीसरा, जो आप उनकी आवाज क्यों नहीं उठाते, जिन जवानों ने अपने शरीर पे गोला बारूद गोलियां झेली हैं, जिन्होंने अपने हाथ पैर कटवाए हैं, जिनको 26,000 रुपये मिलते हैं, और वहीं जिसकी अंगड़ी कट जाती है उसको 2,46,000 रुपये, आप उस चीज का भी समर्थन? आप मेडलों के अंदर छेड़खानी का भी समर्थन? विधवा पेंशन, हमारी विधवाओं को प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री से दिखाया गया, जवानों की विधवाओं को, और बड़ी किसकी? अधिकारी विधवाओं की। क्यों नहीं परसेंटेज की बात करता कि जो अधिकारी की विधवा को मिला है वही परसेंटेज जवान की विधवा को मिले? ये कभी नहीं उठाता इन चीजों के ऊपर। ये उठाता है तो बेचने की बात उठाता है। क्यों उठाता है? क्योंकि ये 2014 में भी एक बार हमारे को बेच के निकल चुका है। आपने पिछले दिनों देखा भी होगा, कर्नाटक में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, यूपी में, अपने पंजाब में, कि ये किसी राजनीतिक दल के इशारे पे वहां कूदा था।
आज उसी आज किसी राजनीति के दल के ऊपर ये जातिवाद में कूद गया। ये क्यों, ये वो बागड़बिल्ला है जो जवानों के हक को खाके और अभी भी डकार नहीं ले रहा। हम ऐसे आदमी का बहिष्कार आप लोगों ने करना पड़ेगा, आप लोगों की मजबूरी है। दूसरा ये बोलता कि केंद्र सरकार ने मेरा जंतर मंतर से मेरा टेंट फाड़ दिया, एनजीटी के इशारे पे फाड़ दिया। नहीं, आपके कर्तव्य ने, आपके कुक्रमों ने आपका टेंट फाड़ा है कि जवान जैसे हो जो आपको समझ चुके हैं कि आपने कभी उनका भला नहीं किया न कभी आप करोगे, तो इसलिए आपके पार्टी हैं। जहां पहले हजारों की भीड़ थी आजकल वहीं पे 200-400 आदमियों की भीड़ हो गई, और वो भी वो मूर्ख है जवान जैसे जो हमारे, जिन्होंने ये नहीं मालूम कि मैंने एडी पंजे पे नौकरी की थी या जूते पॉलिश करके की थी। और मैं उनको भी बोलता हूं जवान जैसे जो जंतर मंतर पे जाते हैं और अब की बार जाओ तो बुरस और पॉलिश साथ में लेके जाना, वहां जनरल साहब के जूते मिल जाएंगे, चमकाते रहना, क्योंकि पूरी जिंदगी इसी में निकाल देना, आने वाले भविष्य आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ मत छोड़ के जाना। यहाँ पे जैसा तुमने वातावरण दिया है उसके भुगत भोगी हम और रखे, जो मान सम्मान के लिए संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है, सारी आर्टिकल देख लो, वुमेन राइट देख लो, पर ये भेदभाव करने वाले हैं कौन? सीएसडी के अंदर देख लो अलग अलग लाइन, ईसीएचएस में देख लो अलग ट्रीटमेंट, कोई प्राइवेट रूम है, कोई सेमी रूम है, कोई जनरल रूम है। क्या बीमारी शरीर देख के आती है या बीमारी जवान अधिकारी देख के आती है? वहां भी भेदभाव, हर चीज में भेदभाव, हर चीज में भेदभाव। और कोई ये बोलता है कि हम अधिकारियों का सम्मान नहीं करते, तो मैं ये बोलता हूं कि सबका कमेटी के अलावा कोई अधिकारियों का सम्मान कर ही नहीं सकता। हम अपने ईमानदार अधिकारियों को सलाम करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, पर हम उन अधिकारियों का सम्मान नहीं करते जो आदर्श घोटाले के चोर हैं, जो जवानों के राशन से पार्टियां बनाते हैं, जो जवानों के राशन को खा जाते हैं, दारू सीएसडी के अंदर भ्रष्टाचार है, जो हथियारों के अंदर भ्रष्टाचार है, जो ह्यूमन राइट का उल्लंघन करते हैं, जो जवानों को अपने घरों पर गुलाम बना के उनकी वीरता को समाप्त करने के ऊपर तुले हुए, हम उनका बहिष्कार करते हैं, उनका सम्मान नहीं, हम तो उनको दूसरी चीज देने के लिए तैयार है, हम उनका बिल्कुल, जो ईमानदार हैं, जो देशभक्त हैं, जो भगत सिंह जैसे हैं, उनको हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, और हमेशा उनके लिए उनके सम्मान के लिए दो कदम आगे आते हैं। दूसरा, मेजर जनरल सतवीर आज तक जवान जेसीयू की एक भी मांग नहीं उठाई है, न सहायक प्रथा की, न मिलिट्री सर्विस पे की, न ग्लेशियर के अलाउंसों की, न वर्दी के अलाउंसों की, न ह्यूमन राइट की, उन्हें कोई मतलब नहीं इन चीजों से। उसको अपनी राजनीति से मतलब है कि पिछली गवर्नमेंट ने उसको कुछ नहीं दिया था, पिछली राजनीतिक दल ने उसको कुछ भी नहीं दिया, अभी दूसरे ने उसको लोभ दे दिया तो जवानों के कंधे पे फिर उसने बंदूक रख ली। तो जवान भाइयों, आप लोग भी बोलते हो कि 70 साल में हमारा कुछ नहीं हुआ, तो भाई कुछ नहीं होगा, चाहे 200 साल लग जाओ, जब तक आप लोग इनका बहिष्कार नहीं करोगे, पूरे सेनाधिकारियों का, जिस भी ये राजनीतिक मंच पे मिले उस मंच का बहिष्कार कर दीजिए, खुद बुलाइए उनको, क्योंकि आपकी बात आज तक किसी भी राजनीतिक के पास में नहीं गई है, और जो आपकी बात ले जाने वाले थे वो सारे के सारे थे बागड़ बिल्ले, जो हमारे को एक कमरों के अंदर सौदा करके बाहर निकल जाते थे। जो भी राजनीतिक दल है वो भेड़ बकरियों को कभी नहीं देखता, वो देखते हैं शेर को, और शेर थे मेजर जनरल सतवीर जैसे। तो इसलिए राजनीतिक दलों को पता ही नहीं कि हमारे को क्या तकलीफ है, क्या हमारा ट्रीटमेंट है, क्या हमारी मांग है, तो आज तक उनके पास में हमारी मांग गई नहीं, गई वो सिर्फ नीचे से नीचे गई और हमारे कंधों पे कोई और ओआरपी को ले गया, जैसे ओआरपी का हाल हुआ। तो जवान भाइयों, जब तक आप इस रैली का बहिष्कार नहीं करोगे, ऐसे बागड़ बिल्लों का बहिष्कार नहीं करोगे, कुछ होना जाना नहीं, और केंद्र सरकार को ऐसे आदमी को तुरंत गिरफ्तार करके जेल के अंदर ठूस देना चाहिए, क्योंकि ये सेना में जातिवाद फैलाएगा, क्योंकि जो उनका हक है।